Hello students, good morning to all of you. I hope you all are fine. So today we are going to start our first chapter of second semester of 8th SS and our first chapter based on the history and it is socio-religious reforms. So first of all, what is the meaning of socio? Socio का मतलब होता है, it is social reforms. सामाजिक जो भी चेंजेस हुए वो, एंड रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक. धार्मिक चेंजेस जो आए उसको रिलीजियस रिफॉर्म्स बोला जाता है. तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी तो वो देखते हैं पहले इस चैप्टर में. सो इन द 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी वॉज इन्फेस्टेड विथ वेरियस सोशल एवल्स. सोशल एवल्स कौन कौन से थे हमारी सोसाइटी में उस टाइम पे 19th सेंचुरी में? सुपरस्टिशन, इलिटरेसी, मतलब जो पढ़ाई ज़्यादा नहीं करते थे, इग्नोरेंस, एवल सोशल कस्टम्स, कास्ट सिस्टम जो चल रही थी, वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारा कुछ चल रहा था. तो इन सब चीज़ों को बदलने की शुरुआत हुई. द कंडीशन ऑफ वुमन वॉज वर्स्ट इन दिस नैरो माइंडेड सोसाइटी. दिस नैरो माइंडेड सोसाइटी में जो वुमन की कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी. वेरियस एवल कस्टम्स वेर वाइड स्प्रेड इन अवर सोसाइटी, लाइक द कस्टम ऑफ दूध पीती की प्रथा चल रही थी, जिसके अंदर एक अगर किसी के घर पे बच्ची का जन्म होता है तो उसको दूध के उबलते दूध के भरे हुए वैसल, बड़े से वैसल के अंदर डुबोया जाता था और डुबा के मार दिया जाता था, उसको दूध पीती प्रथा बोली जाती है. देन नेक्स्ट इज सती सिस्टम, बर्निंग ऑफ वुमन ऑन हर हस्बैंड्स फनरल पायर. मतलब अगर किसी लेडी का हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है तो उनकी चिता पे ही उस लेडी को जिंदा जलाया जाता था. इट इज द सती सिस्टम, सती प्रथा. डेनियल ऑफ विडो री मैरिज, मतलब अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसको री मैरिज करने की कोई परमिशन नहीं थी. तो ये सारी एवल कस्टम्स चल रही थी, कुप्रथाएं चल रही थी, जिसको बदलने के लिए, जिसको रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया. तो उसके बारे में इस चैप्टर में देखना है. Due to the Western education, a new awakening, Renaissance, began in the 19th century to remove the evil customs from the society. जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन हमारे इंडिया के अंदर आता गया, वैसे वैसे एक नई जागृति का उद्भव हुआ और 19th सेंचुरी की ये जो एवल कस्टम थी, कुप्रथाएं थी, उनको कम करने की कोशिश की. Intensive efforts were made to bring in social and religious reform. राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट अमंग सच रिफॉर्मर्स. ये रिफॉर्म लाने के बहुत ट्राई हुए और राजा राम मोहन रॉय पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये ट्राई करना शुरू किया. सो देखते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में. राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन द ईयर 1772 कॉमन एरिया के अंदर राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था. इन द हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन दादानगर विलेज इन अ ब्राह्मण फैमिली. ब्राह्मण फैमिली के अंदर जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, उसके राधानगर गांव के अंदर हुआ था. राजा राम मोहन रॉय गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, अपनी बहुत कम एज में, मतलब चाइल्डहुड में ही इनके चाइल्ड मैरिज हुए थे, चाइल्डहुड में ही इनके मैरिज हो गए थे. हिज ब्रदर्स वाइफ बिकेम सती ऑन हर हस्बैंड डेथ. उनके भाई की जो पत्नी थी उनको उनके भाई के डेथ पे, मतलब जो उनके भाई की पत्नी थी उनको अपने हस्बैंड की डेथ पे सती होना पड़ा था. सो दिस इंसिडेंट शुक राजा राम मोहन रॉय डिपली, इसलिए इस घटना ने उनको अंदर से हच मचा के रख दिया. ही इनिशिएटेड मैनी रिफॉर्म्स एंड प्रोटेस्टेड स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट एवल कस्टम्स सच एज चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म, दूध पीती एक्सेट्रा. इसलिए फिर उन्होंने इनिशिएटिव लिया अपने हाथ में, ये दूध पीती, फिर वर्ण प्रथा, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, ये सब बंद करवाने के लिए. ही स्टार्टेड द बंगाली न्यूज़पेपर नेमली संवाद कौमुदी इन द ईयर 1821 कॉमन एरा. 1821 के अंदर उन्होंने एक बंगाली न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसका नाम है संवाद कौमुदी. फिर उन्होंने 1822 कॉमन एरा में पर्शियन लैंग्वेज में भी एक अखबार, मतलब न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, उसका नाम था मिरात उल अकबर. फिर उन्होंने ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की. ब्रह्मो समाज मतलब एक ऐसा ग्रुप था जो ये सोशल एवल कस्टम्स थी उसको कम करने के लिए, उसको हटाने की ट्राई करता रहता था. सो ब्रह्मो समाज की स्थापना उन्होंने की थी 1828 कॉमन एरा के अंदर. राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश द हिंदू कॉलेज इन कोलकाता. उन्होंने कोलकाता के अंदर हिंदू कॉलेज भी बनवाई थी. ही रिकमेंडेड मैनी चेंजेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस,
ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत सारे चेंजेस मांगे, उन्होंने रिकमेंड किए कि ये सारे चेंजेस हमारे सोशल लाइफ में आने चाहिए। कौन कौन से चेंजेस थे? इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस, कुछ भी आप न्यूज़पेपर में छाप सको, प्रेस कर सको, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाणी स्वतंत्रता, वुमन्स राइट, लड़कियों को, लेडी को, वुमन्स को अपने खुद के लिए लड़ने का हक, पर्सनल लिबर्टी, जुडिशियरी इंडिपेंडेंस, कुछ भी चाहिए अगर कोई अच्छा जजमेंट चाहिए किसी भी चीज़ का तो आपको इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र तरीके से ले सको। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंड की थी। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड मूवमेंट टू एबोलिश द सती सिस्टम। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिंक पास्ड अ लॉ टू एबोलिश द सती प्रथा, मतलब सती सिस्टम। तो जैसे ही उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की सती प्रथा बंद करवाने की, तो उनको सपोर्ट किया बंगाल के उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्होंने उनको हेल्प की और सती प्रथा बंद करने के लिए उन्होंने एक लॉ पास किया। दिस लॉ वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 1829 कॉमन एरा, सो इट कैन बी सेड दैट राजा राम मोहन रॉय लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन रेनेसेंस, मतलब न्यू अवेकनिंग विथ रिगार्ड्स टू इनिशिएटिंग सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि राजा राम मोहन राय ये विश्व के अंदर हमारा जो इंडिया था जिसमें ये सारे रिफॉर्म्स चाहिए हुए थे हमारे सोशल लाइफ में, वो लाने की, वो जागृत करने वाले पहले इंसान माने जाते हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। द एम्परर ऑफ दिल्ली सेंट राजा राम मोहन रॉय टू इंग्लैंड इन द ईयर 1830 कॉमन एरा, 1830 में इंग्लैंड के राजा ने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा हुआ था इन रिगार्ड्स टू हिज केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के केस को सॉल्व करने के लिए वहां पे भेजा हुआ था। राजा राम मोहन रॉय डाइड इन ब्रिस्टोल इन द ईयर 1833 कॉमन एरा, 1833 के अंदर ब्रिस्टोल के अंदर राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हुई। ब्रह्मो समाज प्लेड अ वाइटल रोल इन रिफॉर्मिंग द कंटेम्प्ररी हिंदू समाज, हिंदू समाज को रिफॉर्म करने में ब्रह्मो समाज ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। ब्रह्मो समाज ट्राई टू एबोलिश द रिजिड एंड सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ प्रिवेलेंट देन। ब्रह्मो समाज ने जो भी हमारी अंधश्रद्धा है और ये जो रिजिड कुप्रथाएं हैं उनको हटाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। सो ये था अबाउट राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट इज दयानंद सरस्वती, ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। दयानंद सरस्वती वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली इन टंकारा विलेज नियर मोरबी इन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के टंकारा विलेज में दयानंद सरस्वती का ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुआ था। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड ही रियलाइज दैट द आइडल वर्शिपिंग एंड रिलीजियस रिचुअल्स वेर वर्थलेस। उनको बहुत ही कम उम्र में ये पता चल गया था कि ये मूर्ति पूजा जो करते थे लोग वो, और धार्मिक कुछ रिचुअल्स वो लोग निभाते थे पहले के टाइम पे जो, तो वो वर्थलेस है, उनका कोई मीनिंग नहीं है। ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली एंड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर नेक्स्ट 15 इयर्स एंड आल्सो स्टडीड योगा। फिर उन्होंने अपना फैमिली इन चीज़ों के लिए, इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए उन्होंने अपना फैमिली छोड़ दिया, खुद संत बन गए और पूरे इंडिया के अंदर 15 साल तक घूमे और उन्होंने योगा के बारे में सीखा। ही बिकेम सन्यासी, मतलब एस्थेटिक, जिसको आप संत भी बोल सकते हो। रिक्लोज एंड स्टडीड द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम स्वामी विराजानंद दंडीशा इन मथुरा। मथुरा के अंदर स्वामी विराजानंद के पास से उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में सीखा, हिंदुइज्म की फिलोसॉफी के बारे में सीखा सन्यासी बनके। स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता लाने की उन्होंने कोशिश की बाय एडवोकेटिंग अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। जो क्लासलेस सोसाइटी है, कास्टलेस सोसाइटी है, उनको एजुकेट किया। ही एक्वायर्ड अ डिप इंसाइट इनटू द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन थ्रू द वेदास। उन्होंने वेदास पढ़ के इंडियन कल्चर है, हमारा इंडियन रिलीजन है, उसको डीपली स्टडी करना स्टार्ट किया। उनको ये सब वेदास एंड हमारे रिलीजन हिंदुइज्म का बहुत ही गहरा ज्ञान था।
प्रीच्ड टू द पीपल टू गो बैक टू द वेदास. उन्होंने अपने प्रवचन में सबको बोला कि आप वेदास की ओर वापस जाओ, उनको पढ़ो, उनसे सीखो. ही ब्रॉट अ बुक एंटाइटल्ड सत्यार्थ प्रकाश. उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक बुक लिखी. ही मेड people aware that in the Vedas there is no mention about evil customs such as idol worship. उन्होंने ऐसा बोला कि वेदा के अंदर मूर्ति पूजा, फिर ऐसे जो evil rituals है, child marriage है, सती प्रथा है, untouchability मतलब शूद्र लोगों को पहले टच नहीं करते थे लोग, तो ऐसी अनटचेबिलिटी, ये सारी चीजें कोई भी वेदास के अंदर देखने नहीं मिलती, किसी भी वेदास के अंदर लिखी ही नहीं है. ही एडवोकेटेड मोनोथिज्म मतलब देर इज ओनली वन गॉड. उन्होंने ऐसा सबको बोला कि एक ही भगवान है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, भगवान सबके एक ही है. ही प्रीच्ड इन हिंदी एंड एज अ रिजल्ट हिज थॉट्स रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री. उन्होंने अपने प्रवचन हिंदी में करना शुरू किया, इसलिए वो हमारे इंडिया के बहुत सारे लोगों तक पहुँचने में कामयाब हुए. सो दयानंद सरस्वती इस्टाब्लिश्ड आर्य समाज, जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 कॉमन एरा में. ब्रांचेस ऑफ विच वेर एस्टाब्लिश्ड इन लाहौर. लाहौर में इनकी ब्रांचेस थी, पंजाब में, यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात में इसकी ब्रांचेस थी. Consequently, social changes occurred rapidly. Arya Samaj started a movement to reconvert those peoples to Hinduism who had changed their religion out of force of choice and were willing to return to their original faith. Arya Samaj ने ऐसे लोगों को help किया जो जिनको पहले से ही किसी और धर्म में convert कर दिया गया है. हिंदू में से उनको या तो क्रिस्ट बनाया गया है या तो मुस्लिम बनाया गया है, तो उनको अगर अपने धर्म में वापस आना है, अपना धर्म परिवर्तन करके वापस से अपने धर्म में अगर उनको आना है, तो उनको हेल्प की अपने ओरिजिनल फेथ में आने के लिए. आफ्टर द डेथ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती द एक्टिविटीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर कंटिन्यूड बाय लीडर्स लाइक लाला हंसराज. दयानंद सरस्वती जी की डेथ के बाद भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने आर्य समाज की ये एक्टिविटी कंटिन्यू रखी. कौन कौन से वो? लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड लाला लाजपत राय. इन द ईयर 1902 कॉमन एरा कांगड़ी गुरुकुल वॉज एस्टाब्लिश नियर हरिद्वार बाय स्वामी श्रद्धानंद. इनके ही एक फॉलोअर थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने कांगड़ी गुरुकुल 1902 कॉमन एरा में स्टार्ट किया था. जो ये आर्य समाज की एक्टिविटी से काफ़ी प्रभावित था. आर्य कन्या महाविद्यालय वो स्टार्टेड इन वडोदरा. वडोदरा में हाल में ही आर्य कन्या विद्यालय महाविद्यालय चल रहा है गुजरात में. वेर द एजुकेशन फोकस्ड ऑन इंक्लूडेटिंग डिसिप्लिन, डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर्स की डिग्निटी बनाए रखना, डिसिप्लिन कैसे रखना है, टॉलरेंस, धीरज कैसे रख सकते हो आप, पेशेंस एंड मॉरल वैल्यूज, इन सब के बारे में सिखाया जाता है. सो आज हमने राजा राम मोहन राय एंड दूसरे हमारे सोशल रिफॉर्मर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी का नेक्स्ट टाइम देखेंगे आगे. और तब तक के लिए बाय and have a nice day, be careful and ghar pe raho, swasth raho. So till then, bye bye and have a nice day.